याद होगा संजय सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था कि ईडी ने गलती से मेरे नाम को अपने चार्जशीट में लिखा है। केवल संजय सिंह नहीं, अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा कि संजय सिंह ने हड़का दिया ईडी को, पैंट गीली हो गई इत्यादि इत्यादि। मगर वास्तविकता यह थी कि ईडी ने संजय सिंह जी के नाम को अपने चार्जशीट में चार जगह लेखांकित किया था, जिसमें से तीन जगह सही था, एक जगह टाइपो एरर होने के कारण नाम जुड़ गया था, जिसको कि कोर्ट में ईडी ने कहा कि तीन जगह जो संजय सिंह के नाम को लिखा गया है ये सही लिखा गया है। उसके बावजूद जिस प्रकार का ड्रामा संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने किया है, यह सब आप देख सकते हैं। आपके सामने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ये झूठ बोल रहे थे कि ईडी के चार्जशीट में उनका नाम नहीं था। मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल कल रात को कह रहे थे कि संजय सिंह के घर से कुछ नहीं निकला। अगर कुछ नहीं निकला तो गिरफ्तारी कैसी हो सकती है? आप मुझे ये बताइए कि जो पिक पॉकेटर होता है, जो जेब कतरा होता है, जब जेब कतरा पकड़ा जाता है तो उसके घर से, उसके जेब से बटुआ निकलता है, उसके जेब से एक पर्स निकलता है। जब चेन स्नैचर पकड़ा जाता है तो उसके घर से, उसके जेब से वो सोने की चेन निकलती है जिसे छीन के वो भाग रहा होता है। जब चिंदी चोर पकड़ा जाता है, छोटा सा चोर पकड़ा जाता है, तो उसके घर से टूटी बकेट जो इत्यादि वो चोरी का सामान इकट्ठा करता है, वो चोरी का सामान निकलता है। जब डकैत पकड़ा जाता है तो उसके घर से छर्रे और कट्टे पकड़े जाते हैं। मगर जब भ्रष्टाचार का डॉन पकड़ा जाता है तो उसके घर से बटुआ नहीं निकलता, उसके घर से चेन नहीं निकलता, उसके घर से कोई चोरी का टोटी नहीं निकलता, उसके घर से छर्रे और बंदूक नहीं निकलते, उसके घर से इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स अर्थात दस्तावेज निकलता है। दस्तावेज जो कई बार मोबाइल फोन के अंदर और कई बार लैपटॉप के अंदर बंद होता है, ऐसे दस्तावेज निकलते हैं। और आज मैं सूत्रों के हवाले से कह सकता हूं, मीडिया के सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि जिस प्रकार कल रेड हुआ संजय सिंह जी के घर में और जो दस्तावेज संजय सिंह जी के घर से निकले हैं, वो आम आदमी पार्टी के बहुत ऊपर तक पहुंच रहे हैं, इंगित बहुत ऊपर तक हो रहा है। आज आप एक बात जान लीजिए, ये आम आदमी पार्टी ये कोई जेब कतरा नहीं है, ये आम आदमी पार्टी कोई चेन स्नैचर नहीं है, ये आम आदमी पार्टी कोई चिंदी चोर नहीं है, यह आम आदमी पार्टी कोई साधारण डकैत नहीं है, यह डॉन है, भ्रष्टाचार के डॉन। इस कारण से जिस प्रकार की बौखलाहट आम आदमी पार्टी में आज देखने को मिल रहा है, यह पूरा हिंदुस्तान देख रहा है।